सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में स्वागत है और पीजीबीपी का एमसीक्यू कर रहे हैं और एमसीक्यू इस तरह से बनाया हुआ है कि आपका पूरा पीजीबीपी रिवाइज भी हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर वन, मैच द फॉलोइंग सेक्शन 28, बताइए सेक्शन 28 सी चार्जबिलिटी है। एक सी सेक्शन 32-36 अमाउंट एक्सप्रेसली अलाउड एज डिडक्शन, बहुत बढ़िया। सेक्शन 37 जनरल डिडक्शंस और सेक्शन 42-43B रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिडक्शन। तो सी डी ए बी दिस विल बी द आंसर। ये पहला क्वेश्चन में पूरा पीजीबीपी का सेक्शन हमने याद करवाया, बाकी भी कुछ सेक्शन से वो बाद में कर लेंगे लोग। एग्जामिन फॉलोइंग केस वेयर प्रीमाइसेस इज ओन्ड बाय द एसएससी एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी पेड इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 30, ट्रू और फॉल्स? टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी पेड इज अलाउड एज डिडक्शन, ट्रू है? नोशनल रेंट पेड फॉर प्रॉपर्टी इज अलाउड एज डिडक्शन, नोशनल रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी इज अलाउड एज डिडक्शन, ट्रू और फॉल्स? राजीव जी क्या कह रहे हैं, नोशनल रेंट पेड फॉर प्रॉपर्टी इज अलाउड एज डिडक्शन, यानी कि सोल प्रोपराइटर अपने ही प्रॉपर्टी को अपने आप को ही किराया दे रहा है, ये ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, नोशनल रेंट वही तो होता है, कॉस्टिंग में हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन बाकी जगह ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो ए विल बी द आंसर। एग्जामिन फॉलोइंग केस वेयर प्रीमाइसेस इज, एक मिनट रुकिए, यहां प्रीमाइसेस इज ओन्ड बाय द एसएससी लिखा ही हुआ है यहां पर देखिए, एग्जामिन फॉलोइंग केस वेयर प्रीमाइसेस रेंटेड बाय द एसएससी पार्टनरशिप फर्म एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, rent paid by firm to its partner is allowed as deduction under section 30, true or false? True. Current repairs of the premises as per the rent agreement, owner shall bear the cost of repairs, allowed as deduction or not? Yahan likhna hoga, bataiye deduction allow nahi hoga? डिडक्शन अलाउ नहीं होगा क्योंकि टेनेंट अगर बियर करेगा तभी अलाउड होगा, तो ये फॉल्स है। तो ए इज द आंसर। गुड मॉर्निंग राजेश जी। क्वेश्चन 4, एग्जामिन फॉलोइंग केस इन द लाइट ऑफ सेक्शन 30 और 31, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 30, ट्रू और फॉल्स? रेंट ऑफ प्रीमाइसेस used for the purpose of business is allowed as deduction under section 30, true or false? True. Rent of plant and machinery used for the purpose of business is allowed as deduction under section 31, true or false? बहुत बढ़िया अमित जी, आपने पकड़ लिया। It is allowed as deduction under section, under section 37, 32 में तो डिप्रिसिएशन है, रेंट है, डिप्रिसिएशन तब मिलेगा जब ओन्ड होगा, ये तो रेंट है, तो 37 में इसका रिडक्शन मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स? क्वेश्चन 5, एग्जामिन द फॉलोइंग केस इन द लाइट ऑफ सेक्शन 30 और 31, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द एसेट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिपेयर्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Replacement of whole of the asset is treated as capital repairs, true or false? True. Both true. C is the answer. Examine the following case in the light of 36 or 37. Consumption of stock in trade is allowed as deduction under section 36, subsection 1, clause I. Consumption of stock in trade is allowed as deduction under section 36, subsection 1, clause I. Consumption of stock मतलब opening stock plus purchases minus closing stock, यही consumption है,
एक्सीलेंट है कशिश, कंजम्पशन तो इट इज फॉल्स। किस सेक्शन में रिडक्शन मिलेगा इसका, किस सेक्शन में रिडक्शन मिलेगा? थर्टी सेवन में। एक्सीलेंट। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इज अलाउड इज रिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई, ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, फॉल्स कैसे कर रहे हैं? स्टॉक इन ट्रेड का अगर हम इंश्योरेंस लेंगे तो इस सेक्शन में तो साफ साफ लिखा हुआ है इसका रिडक्शन मिलेगा, तो बी इज द आंसर। एग्जामिन द फॉलोइंग केस इन द लाइट ऑफ सेक्शन 36 और 37। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज इन कैश इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई बी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स कैसे कह रहे हैं? क्या हेल्थ ऑफ, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, इन कैश लिखा हुआ है, फॉल्स। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन लाइफ ऑफ एम्प्लॉइज इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई बी। ठीक से पढ़िए ये पूरा सेंटेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन लाइफ ऑफ एम्प्लॉइज रिडक्शन अंडर सेक्शन दिस, ट्रू और फॉल्स? पूरा सेक्शन पे खिला हुआ है ये, फॉल्स है। सेक्शन कौन सा है ये, 37, तो ये भी फॉल्स है, बोथ फॉल्स। एग्जामिन द फॉलोइंग केस सेक्शन 36। बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज इन एक्सेस ऑफ दैट प्रिस्क्राइब इन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ट्रू और फॉल्स? बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज इन एक्सेस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, इट इज अलाउड एज डिडक्शन। बोनस आप वॉलंटरी बोनस भी देंगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा। बोनस डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर इज अलाउड एज डिडक्शन, ट्रू और फॉल्स? ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि आप बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिविडेंड को कह रहे हैं ये बोनस है, और उसका डिडक्शन मिल जाएगा ना? नहीं मिलेगा, बोथ फॉल्स। एग्जामिन फॉलोइंग केस वेयर लोन इज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इंटरेस्ट पेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ट्रू और फॉल्स? इंटरेस्ट पेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, यस फॉल्स ट्रू, ए इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, बताइए allowed the employer's contribution to recognize provident fund allowed as deduction or not? Yes, employer's contribution to approved gratuity fund allowed as deduction or not? Yes, employer's contribution in excess of 10% of salary towards new pension scheme as notified under section 1010 80CCD allowed as deduction or not? No. Employer's contribution towards approved superannuation fund allowed as deduction or not? Yes. C is the answer. Examine the following. Employer's contribution to staff welfare trust is allowed as deduction under section 37. True or false?
employer's contribution towards revocable gratuity trust is allowed as deduction under section 37. True or false? False. इन सब का रिस्ट्रिक्शन है अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 और 3, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो डिडक्शन मिल जाता। एग्जामिन फॉलोइंग केस वेयर एसएससी मेंटेन्स अकाउंट्स एज पर कैश सिस्टम, कैश सिस्टम, बैड डेट इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7। कैश सिस्टम मेंटेन कर रहा है तो बैड डेट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको इनकम कभी माना ही नहीं, क्रेडिट सेल को कभी इनकम माना ही नहीं, तो डिडक्शन किस बात का। टेंडर मनी फॉरफिटेड अलाउड इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37। ट्रू और फॉल्स? टेंडर मनी फॉरफिटेड अलाउड इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37। ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन 13। Examine following case where SSC maintains accounts as per mercantile system. Recovery of bad debt is taxable in the year of receipt under the head income from other sources where business is discontinued. True or false? True. Amount of debt is 20,000. Bad debt written off as irrecoverable in the accounts is 15,000. Recovery of bad debt is 18,000. Taxable amount is 18,000. True or false? False. कितना taxable होगा? कितना taxable होगा? मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। कितना टैक्सेबल होगा? 16,000। कैसे? 20,000 का बैड डेट था, 15,000 रुपए का आपको रिडक्शन मिल चुका, कितने रुपए का रिडक्शन नहीं मिला, कितना रुपया ऑलरेडी टैक्स्ड है, कितना रुपया ऑलरेडी टैक्स है? 5,000। तो ये ऑलरेडी टैक्स है, तो 18 - 5 13,000। करेक्ट, 13,000 रुपए टैक्सेबल। True and false is the answer. Examine following case where SSC is LLP. Capital expenditure incurred for promotion of family planning amongst employee, 1/5 is allowed as deduction every year under section this. True or false? Paid doctor salary for promotion of family planning amongst employee, 100% is allowed as deduction. True or false? ये भी false. 100% is allowed as deduction under section में 37 कर देता हूँ, ये लिख दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाला सेक्शन लिखता तो फॉल्स हो जाता। करेक्ट है, तो मैंने इसको अंडर सेक्शन 37 लिख दिया, फॉल्स। ट्रू, बी इज द आंसर, क्योंकि कुछ भी खर्चा अगर आप एम्प्लॉय के ऊपर करेंगे, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एम्प्लॉयज इज ऑलवेज अलाउड एज डिडक्शन। सही बात है या नहीं है? तो मैं अंडर सेक्शन 37 कर देता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये ट्रू कब हो जाता, ये वाला ट्रू कब हो जाता? अगर एसएससी कंपनी होता तो 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 सिर्फ कंपनी को एप्लीकेबल होता। अब आइए, सिक्योरिटीज इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज अलाउड इज डिडक्शन अंडर द हेड बिजनेस। ट्रू और फॉल्स? सिक्योरिटीज इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज अलाउड इज डिडक्शन अंडर द हेड बिजनेस। पढ़िए ठीक से, पढ़िए प्लीज। सिक्योरिटीज इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो सिक्योरिटीज को बेचने से जो इनकम जनरेट होगी वो किस हेड की आएगी? कैपिटल गेन की आएगी, और कैपिटल गेन में एसटीटी का रिडक्शन नहीं मिलता है, तो ये फॉल्स है।
Commodity transaction tax is allowed as reduction under the head business. True or false? Commodities transaction tax. True. Sixteen are covered under Section 37. True or false? False. किस सेक्शन में कवर्ड होगा बिजनेस लॉस? किस सेक्शन में कवर्ड होगा? बिजनेस लॉस है सेक्शन 37 में लिखा हुआ. एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 32-36. तो वहां तो एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है लेकिन लॉसेस है तो किस सेक्शन में कवर्ड होगा? बिजनेस इनकम किस सेक्शन में कवर्ड है? बिजनेस इनकम किस सेक्शन में कवर्ड है? 28 में. तो लॉसेस किस सेक्शन में कवर्ड है? बिजनेस लॉसेस. वो भी सेक्शन 28 में कवर्ड होगा. इनकम इंक्लूड्स लॉसेस आल्सो. तो दिस इज फॉल्स. डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 इज अलाउड इफ एक्सपेंडिचर इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 32-36. देखिए इसी कारण हमने ये दोनों एक साथ लिखा है. ट्रू फॉल्स. ट्रू. 17. Where any expenditure incurred on customers, it is said that expenses are incurred wholly and exclusively for the purpose of the business or profession. True or false? बोलिए. True. Expenditure incurred on development of website is revenue expenditure and its deduction is allowed under section 37. True or false? वेबसाइट डेवलपमेंट का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका लक्ष्य मिलेगा. ट्रू और फॉल्स? अरे ये ट्रू है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा इसको. हमने कहा था इट इज ए फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट. बोथ ट्रू. 18. एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी बैनर इज एन एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज अलाउड इज डिडक्शन. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. कैसे कह रहे हैं? सेक्शन 37 में स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि इसका डिडक्शन नहीं देंगे हम लोग. तो ये फॉल्स है. एनी बिजनेस एक्सपेंस इनकर्ड इवन इफ प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज अलाउड एज डिडक्शन. जैसे ब्राइब देना इट इज अलाउड एज डिडक्शन. फॉल्स. इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड है. बोथ फॉल्स. ही इज द आंसर. किताब खोल के बैठिए. Any expenditure incurred by an SSC on the activities relating to corporate social responsibility is allowed as deduction since mandatory under Companies Act 2013. False. Again, यहाँ special specific restriction है कि corporate social responsibility का कोई भी खर्चे का deduction नहीं देंगे. Any expenditure incurred for development of village where factory is located is allowed as deduction since wholly and exclusively incurred for the purpose of business and profession. तो जिस विलेज में आपकी फैक्ट्री लोकेटेड है उस विलेज का आप डेवलपमेंट करते हैं तो ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है इट इज वो माना जाएगा इट इज होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. बताइए ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है. अगर आपको इसका डिडक्शन लेना है तो स्पेसिफिक सेक्शन है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एलिजिबल प्रोजेक्ट का वहां डिडक्शन मिल सकता है. वे विलेज वाले ना आपके एम्प्लॉइज है ना कस्टमर्स हैं तो इसके लिए आप कुछ भी करेंगे ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा. सोशल एक्सपेंसेस जरूर माना जाएगा. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. डी आंसर. मैच द फॉलोइंग. इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे डिविडेंड. बताइए डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अलाउड डिडक्शन नॉट अलाउड डिडक्शन. चार है. बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे डिविडेंड डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस. यानी कि ये आएगा. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इश्यू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा?
एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यस इसका भी मिलेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इसका रिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका भी मिलेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, इसका रिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका नहीं मिलेगा। रीजन हमने क्या बताया था, ये रेपुटेशन की कहानी बताई थी आपको, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी से रिलेटेड खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बोनस शेयर्स में कोई शेयर्स नया एसेट क्रिएट नहीं होता है, और सिंपली कैपिटल रिसीट है, तो इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ट्रिपल ए बी आंसर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे डिविडेंड, डिविडेंड का डिडक्शन मिलेगा, हमने रेपुटेशन का रीजन बताया था आपको। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इश्यू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लायबिलिटीज से रिलेटेड है। बोनस शेयर्स में जनरल रिजर्व इज कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर्स, कोई कैश नहीं बढ़ता है उससे, एसेट नहीं बढ़ता, तो इसका रिडक्शन मिलता है। लेकिन राइट शेयर्स में कैश बढ़ता है या एसेट से रिलेटेड, तो इसका रिडक्शन नहीं मिलेगा, कैपिटलाइज होगा। ट्रिपल ए बी, और हो सकता है अगर 35(b) में फॉल कर गए, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तो 1/5 का रिडक्शन तो आपको मिलता ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि रिडक्शन नहीं मिलता। तो ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए इज द आंसर। एग्जामिन फॉलोइंग केस, इलीगल इनकम इज नॉट टैक्सेबल, ट्रू और फॉल्स? False. It is taxable. Listing fees is allowed as deduction as business expenses. True or false? Listing fees in a stock exchange. True. True. False. True. B is the answer. Section 35 is related. Any revenue expenditure laid out or expended on a scientific research related or unrelated to the business carried on by the SSC is allowed as deduction under section 35. बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, हमने कुछ कुछ changes किए हैं। Any revenue expenditure laid out or expended on scientific research related or unrelated to the business carried on by the SSC is allowed as deduction, true or false? False. क्या गलत है? The business should be related to the business, unrelated होगा तो deduction नहीं मिलेगा। Second, any revenue expenditure incurred before the commencement of business on payment of salary to any employee, whether or not engaged in scientific research, or on the purchase of materials used in scientific research, the aggregate of such expenditure incurred within 3 years immediately preceding the commencement of business is allowed in the previous year in which business is commenced. True or false? ये भी false है, ये भी false है। क्या है यहां पर? पेमेंट ऑफ सैलरी टू एनी एम्प्लॉय नहीं लिखा हुआ है, और अगर एनी एम्प्लॉय लिखा हुआ तो वेदर और नॉट एंगेज नहीं लिखा हुआ है, ही शुड बी एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च। तो इसीलिए हमने सपोर्ट स्टाफ की सैलरी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का रिडक्शन नहीं दिया था, याद है आपको? बोथ फॉल्स। 23, any capital expenditure laid out or expended on scientific research related to the business carried on by the SSC is allowed as deduction under section 35, true or false? True. Any capital expenditure being purchase of land or its development for scientific research can claim that is deduction under section 35. Contribution made for scientific research unrelated to the business to any approved university or college, then 100% deduction can be claimed under section 35. True or false? False क्यों कह रहे हैं? Contribution है made to scientific research, भले unrelated हो, तो contribution made to outsiders unrelated to the business deduction is allowed. Yes, it is true. In-house research should be related to the business to be eligible to claim deduction under section 35. True or false? Both true.
25. Any expenditure incurred before commencement of business is a preliminary expenses. True or false? ठीक से पढ़िए. Any expenditure incurred before commencement of business is a preliminary expenses. True or false? False है. Only eligible expenditure, सभी तरह के expenditure नहीं. हमने salary to employees before commencement of business not eligible expenditure है. याद है? Deduction under section 35D cannot exceed 5% of cost of project. True or false? ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D हटा देता हूं, लिखूंगा एलिजिबल एक्सपेंसेस कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू है ना, तो ट्रू है. चलिए, ये 26 तो रिपीट हुआ है. आपको याद है एलिजिबल एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विच एवर इज लोअर करते हैं इसको. तो वही लिखा हुआ एलिजिबल एक्सपेंसेस कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. लेकिन अगर कंपनी एसएससी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, तो हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड ही हायर होता है. तो एलिजिबल एक्सपेंसेस कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ ए कंपनी. 27 देखते हैं. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 5th जून, डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज 1st जुलाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग स्टार्टेड ऑन 8th अगस्त, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 18th दिसंबर, ट्रायल रन कंप्लीटेड ऑन 25th दिसंबर. एज पर सेक्शन 28 बिजनेस शैल बी सेट टू बी कमेंस ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. और यहां डेट डाल देंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज 1st जुलाई. ट्रू और फॉल्स? True or false? False. क्या होगा? क्या होगा? Trial run 25th December. Any expenses incurred before commencement of business is preliminary expenses. True or false? False. ये तो एक तरह से repeated है. और इस केस में 25 दिसंबर से पहले जो खर्चा हुआ है वो प्रिलिमरी एक्सपेंसेस है. बोथ फॉल्स. 28. इन सेक्शन 28 द ओनर ऑफ द बिजनेस इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. ट्रू और फॉल्स? इन सेक्शन 28 द ओनर ऑफ द बिजनेस इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. ट्रू और फॉल्स? राजीव जी ट्रू कह रहे हैं, बाकी लोग आप भी ट्रू कह रहे हैं, आप भूल गए. हमने बताया था ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है जहां पर ओनर इज लायबल, द पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस इज लायबल. फॉल्स है. इन सेक्शन 22 ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स. ये ट्रू है. कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट इज चार्ज अंडर द हेड बिजनेस. ट्रू और फॉल्स? ट्रू है. कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू इन्वेंट्री इज चार्ज अंडर द हेड कैपिटल गेन. ये भी ट्रू है. फॉल्स कैसे है? फॉल्स कैसे है? अरे हमने ये किया तो था आपके साथ. देखिए, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट determined in the prescribed manner. तो inventory को अगर आप capital asset में convert करेंगे, inventory को यानी कि stock को capital asset में convert करेंगे तो business income है.
और फिर कैपिटल एसेट को इन्वेंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल गेन की इनकम है। याद है आपको इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखा हुआ या करंट एसेट्स के नीचे लिखा हुआ बैलेंस शीट में ही अगर आपने चेंज कर दिया, दो डेट का बैलेंस शीट आपको चेक करना होता है, बस वही है, बाकी तो कैलकुलेशन हमने सिखलाया था आपको। क्वेश्चन 30, मिस्टर ए होल्ड्स 20% इक्विटी शेयर्स इन टीटी लिमिटेड, मिस्टर ए परचेज रॉ मटेरियल फॉर 2000 हुज फेयर मार्केट वैल्यू इज 500, टीटी लिमिटेड शैल रीकंप्यूट इट्स इनकम ऑन द बेसिस ऑफ 2000, ट्रू और फॉल्स? बताइए। फॉल्स है, करेक्ट। कौन रिकम्प्यूट करेगा, कौन रिकम्प्यूट करेगा? ए रिकम्प्यूट करेगा। इसमें हम सेक्शन भी डालेंगे 40A सबसेक्शन 2, तब सही रहेगा। मिस्टर ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, इट पेज 10,000 टू मिस्टर बी इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑन 5th July, 14th July, 15th July, 30,000 shall be disallowed as business expenditure, true or false? False, कोई disallowance नहीं होगा क्योंकि single day same person 10,000 से ज्यादा देगा तभी disallowance है, both false, D is the answer, 31. Mr. A borrowed rupees 1 lakh from Mr. B. For the financial year 2021, interest accrued is 15,000. Interest is not yet paid. Deduction of interest under section 36, subsection 1, clause 3 shall be allowed. True or false? कही है? False. नहीं नहीं, फिर से पढ़िए. A borrowed 1 lakh from Mr. B for the financial year 2021. Interest accrued is 15,000. Interest is not yet paid. Deduction of interest under this shall be allowed. True or false? Paid before balance. Not yet paid. Not yet paid. Pay hi nahi hua. Sabse pehle bataiye 43B applicable hoga ya nahi hoga? 43B applicable hoga ya nahi hoga? पेमेंट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा, एक्रुअल बेसिस पर मिल जाएगा, तो डिडक्शन शैल बी अलाउड, इट इज ट्रू। Bonus payable to employees accrues in the financial year 19-20. Bonus is payable in the financial year 21-22. Bonus is paid karunga. In financial year 21-22. Bonus is allowed as deduction in the financial year 19-20. True or false? False. True, false, A is the answer. 43B applicable ho gaya. Due date ke baad payment hua hai. तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट हुआ उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन 32। इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एक्सपेंसेस ऑफ मोर देन 10,000 इनकर्ड इन कैश, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर शैल बी एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शन 48 सबसेक्शन 3। Purchases of agricultural produce from a company, बताइए एडिशन होगा या नहीं होगा? Yes, होगा। कब एडिशन नहीं होता? From farmers, from cultivators, ये तो कंपनी है, Payment made by book adjustment. बताइए एडिशन होगा या नहीं होगा?
ये तो नहीं होगा ना, एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। पेमेंट मेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स, एडजस्टमेंट होगा या एडिशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, एडिशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो ए इज द आंसर। Which of the following payments are not covered under section 43B? Payment to railways for use of assets, covered or not covered? Covered है ना 43B में? तो हम लोग ये पूछ रहा है which of the following payments are not covered? तो हम लोग ये देख रहे हैं 43B में covered है या नहीं है। तो payment टू रेलवे फॉर यूज ऑफ एसेट्स, ये कवर्ड है यस और नो? फिर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी टू इंप्लॉइज, कवर्ड या नॉट कवर्ड? पेमेंट ऑफ लीव सैलरी टू इंप्लॉइज, अरे क्या हो गया आप लोग को? किताब देखिए, किताब देखिए, आप लोगों के पास किताब तो है ही। कवर्ड है, बोनस, कमीशन, लीव सैलरी, ये सब कवर्ड है। उस वक्त बोले तुमको ले जाने के लिए, एक मिनट रुकिए। चलिए ये भी कवर्ड है, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, बताइए कवर्ड या नॉट कवर्ड? इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज को, ये नॉट कवर्ड है। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कवर्ड है, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन नॉट कवर्ड है। अरे याद आ रहा है आप लोग को? तो यहां जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। सी मैं भी आपको दिखाता हूं, कहां गया? Employer's contribution to any employer's contribution to any provident fund, superannuation fund, gratuity fund or any other fund for the welfare of employees. Employer का contribution 43B में covered, employees का contribution covered नहीं है। तो ये section 36 subsection 1 clause B है जो हम लोग बाद में करेंगे आपके साथ, extra topics में है, वहां आपको detail में बताएंगे। आइए question 34 में। Which of the following condition is not necessary to be covered under section 44AD? 44AD presumptive है, बताइए इसमें कुछ conditions दिए हुए हैं, वो conditions satisfy होंगे तभी 44AD में आएगा। अब ये कहता है कि कौन सा condition नहीं भी satisfied है तो भी चलेगा। Necessary resident individual, बताइए condition necessary है या नहीं है? Necessary resident individual होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Yes होना चाहिए। Why? The turnover of gross receipts is up to 2 crore, yes or no? Yes. The person is not engaged in agency business. Yes. The income is earned by way of commission or brokerage. No. कमीशन और ब्रोकरेज यहां 44AD में कवर्ड नहीं होता, नॉट नेसेसरी। तो ये तो अगर अर्न हो गया तो बाहर हो जाएगा, तो डी इज द आंसर, करेक्ट है। 35, द पर्सन ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्प्टिव इनकम कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 32-36, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, कैनॉट क्लेम। The person opting for presumptive income can claim deduction under section 80C to 80U, true or false? True. B is the answer.
The person opting for presumptive income under section 44AD shall pay advance tax in 4 installments. True or false? False. Ek installment pay karega by 31st March. The person opting for presumptive income under section 44AE shall pay advance tax in 1 installment, that is by 31st March. True or false? False है. 44AE वाला 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा. ट्रक ऑपरेटर को कोई विश्वास नहीं है गवर्नमेंट को, मैं बता देता हूं पहले भी आपको. बोथ फॉल्स. 37. द टर्नओवर ऑफ रिटेल ट्रेड इज 50 लाख रिसीव्ड इन कैश. टर्नओवर ऑफ रिटेल ट्रेड इज 30 लाख रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल. एक्सपेंसेस इनकर्ड इज 78 लाख डिटरमाइंड प्रिजर्वटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD. बताइए कौन सा आंसर होगा. ए बी सी डी. बी होगा. जो कैश में रिसीव किया उसका 8%, जो बैंकिंग चैनल के रिसीव किया है वो उसका 6%. तो दिस विल बी द आंसर. और दोनों का टर्नओवर मिला के डू नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो 44AD एप्लीकेबल है. Any person can opt for section 44AE. True or false? Any person can opt for section 44AE. ये true है. 44AD में चाहे आप individual हो, chief हो, company हो, resident हो, non-resident हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 44AE में आप आ सकते हैं. The gross vehicle weight is up to 12,000 kg. Then income is computed. Is 7500 per month or part of month. True or false? Well, देख लीजिए, exceeding 12,000 लिखा हुआ है या up to 12,000 लिखा हुआ है. Exceeding 12,000. इसका मतलब अप टू 12,000 पे ये आएगा. यस और नो? तो ये तो ट्रू है. आइए, मिस्टर जेड परचेज ट्रक ऑन 15th June. द ट्रक रन्स फॉर ओनली 10 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर. इनकम शैल बी कंप्यूटेड फॉर ओनली 10 मंथ्स. ट्रू और फॉल्स? इसको 10 मंथ नहीं करते, इसको 9 मंथ कर देते हैं. 9 मंथ. इसको भी 9 मंथ कर देते हैं. चलिए अब बताइए. द ट्रक रन्स फॉर ओनली 9 मंथ ड्यूरिंग द 15 जून से 31 मार्च. ऐसे ही 10 महीने हो जाते थे, तो 10 महीने तो हो ही गए, लेकिन 10 महीने में से कुछ महीने या एक महीना रन ही नहीं हुआ, सिर्फ 9 महीने के लिए रन हुआ. तो इनकम शैल बी कंप्यूटेड फॉर ओनली 9 मंथ्स. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. इनकम कंप्यूट होगा जब से उसने ट्रक खरीदा है. ओन्ड नहीं, हाँ 12 मंथ नहीं आएगा. ठीक है. फॉल्स. ए पर्सन कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 44AE इफ हिज ग्रॉस टर्नओवर इज अप टू 3 करोड़ एंड ओन्स नॉट मोर देन 10 ट्रक्स. ट्रू और फॉल्स? है. मैं इस लैंग्वेज को चेंज करूंगा. इफ इज ग्रॉस टर्नओवर इज ऑफ एनी अमाउंट, तो क्योंकि ग्रॉस टर्नओवर के बेसिस पे होता नहीं है, तो फॉल्स. टू बी इज द आंसर. तो हमने ये वो क्वेश्चंस थे जो हमने खुद बनाए थे. अब ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो वो वाला कर रहे हैं हम लोग जो एग्जाम में आ चुका है. ज्यादा नहीं है, करते हैं इसको. मलिक एंड कंपनी एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी कुड नॉट रिकवर 5 लाख फ्रॉम कस्टमर. इट क्लेम द एंटायर अमाउंट इज अ बैड डेट बाय राइटिंग ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. द एग्रीगेट सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर टू द पार्टी अमाउंट्स टू 30 लाख. अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन बाय वे ऑफ डेट बैड डेट इज बाय 3, 5, 60 एंड nil. फाइव लैख. तो जितना अमाउंट राइट ऑफ करेगा
उसी का रिडक्शन मिलेगा, तो 5 लाख राइट ऑफ हुआ, 5 लाख का रिडक्शन मिला। क्वेश्चन नंबर टू, इन द केस ऑफ अ कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स द एम्प्लॉय वुड बी डिडक्टेबल टू द एक्सटेंट, बताइए 1/5 ईच ईयर फॉर 5 इयर्स, 1/6, 1/4, 1/10, ए इज द आंसर। Sameer sold goods worth 50,000 at credit on 1st April. However, he has written off 10,000 of it as bad debts and claimed reduction after 2 years. On 3rd year, the defaulting debtor made payment of 45,000. The taxable amount of bad debt recovered for the year would be B. Badaye. तो आप 40,000 इज ऑलरेडी टैक्स, अब 45,000 रिकवर हुआ है, तो 45,000 माइनस 40,000, 5,000 विल बी टैक्सेबल। सरस्वत लिमिटेड मेड प्रोविजन ऑफ 12 लाख फॉर द बोनस पेबल, इट पेड 7 लाख ऑन 31 जुलाई, 3 लाख ऑन 30th सितंबर एंड 2 लाख ऑन 15 दिसंबर, द अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 43B। ये गलत सेंटेंस है, द अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 43B नहीं, अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1, 43B तो रोकेगा। जो बोनस का जो सेक्शन है वो मैं लिख दूंगा, मुझे 36(1)(1A)(1B) कौन सा सेक्शन है बोनस वाला, वो सेक्शन लिख दूंगा, उड बी। बताइए कितने रुपए का रिडक्शन मिलेगा, सिर्फ ये 2 लाख का रिडक्शन नहीं मिलेगा आफ्टर रिटर्न फाइल करने के बाद है, लास्ट डेट 31st अक्टूबर है, तो उसके बाद है, तो बाकी 10 लाख का रिडक्शन मिलेगा, ए इज द आंसर। क्वेश्चन 5, ए कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च विच लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 35 वुड बी, बताइए कितना। कितना लैंड के ऊपर 5 लाख, बिल्डिंग के ऊपर 10 लाख और इस पे 7 लाख, बी। लैंड का रिडक्शन मिलता नहीं है, बाकी सबका मिल जाएगा। वेयर द एसएससी डज नॉट हिमसेल्फ कैरी ऑन साइंटिफिक रिसर्च बट मेक्स कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड और अनरिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी, hence the amount of deduction from income from business shall be allowed is allowed on such contribution to the extent of, badaiye 100%. X Limited paid 10 lakh to an approved college to be used for scientific research unrelated to its business, the amount eligible badaiye, which of the following is not deductible while calculating taxable income from business, GST, income tax, custom duty, local taxes, कौन सा deduction नहीं मिलेगा business income को calculate करते हुए, income tax का, which of the following taxes are allowed as deduction while computing the business income, wealth tax, income tax, GST, none of the above, जीएसटी का मिलेगा बाकी किसी का नहीं मिलेगा। रवि एंड कंपनी पेड 40,000 बाय कैश टू मिस्टर बालू एज सप्लायर, द कैश पेमेंट वाज मेड ऑन अ डे ऑन व्हिच द बैंक वाज ऑन स्ट्राइक, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर लायबल फॉर दिस अलाउंस अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 इज, डी नहीं, क्योंकि स्ट्राइक के दिन पेमेंट हुआ है। Where the payment of an expenditure claimed as deduction by an SSE carrying on business or profession other than who is in transport business exceed 10,000, it should be paid by, bataiye, cross check this kya, D nahi hoga, any mode other than cash ka matlab bearer check se bhi payment kar sakte hain aap, to bearer check allowed nahi hai, ye hoga account pe check ya account pe draft, और इसमें मैं और ऐड कर दूंगा और इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो पुराना क्वेश्चन है इसलिए है नहीं, तो मैं ऐड कर दूंगा अंडर सेक्शन 40A, इसको मैं ठीक करूंगा,
ब्रैकेट में नहीं आएगा. अंडर सेक्शन 40A(3) विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट फॉर एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड वुड नॉट बी एडमिसिबल एज डिडक्शन फ्रॉम बिजनेस इनकम. $15,000 पेड इन कैश टू ए ट्रांसपोर्टर, बताइए डिडक्शन मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? यस, अच्छा बी आंसर दे दिया. $8,000 पेड इन कैश टू डीलर इन द मॉर्निंग एंड $7,000 पेड इन कैश टू द सेम डीलर इन द इवनिंग, तो ये $10,000 एक्सीड करता है, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो बी इज द आंसर. बी इज द आंसर. बाकी नेफ्ट मिल जाएगा, मिल जाएगा, तो बी इज द आंसर. 13. मोहन लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहम लिमिटेड ऑन 6 May 86,000. फिर 15,000 रुपया कैश में दिया 11 मई को, 30,000 बेयरर चेक में दिया 31 मई को, और 41,000 बाय एन अकाउंट पे चेक. द अमाउंट ऑफ दिस अलाउंस अंडर सेक्शन बताइए. कितना होगा? बी 45,000. ठीक है. 14. 15 नहीं होगा ना, कैश में जो दिया 11 मई को दिया और 31 मई को बेयरर चेक वाला दिया, वो भी ऐड बैक होगा. तो ये हमारी वेबसाइट taxbykk.com क्लासेस. क्लासेस में जब देखेंगे तो इसी ये फाइनल है, लेटेस्ट अपडेट. और मैं लेटेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं आज अमेंडमेंट आती है हम लोग कल रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, बिकॉज वी डू सो मच वर्क फॉर द प्रैक्टिशनर ऑल्सो. तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं. तो दिस इज 3500, 2 month 3500, 4 month 5000, 6 month 6000, पेन ड्राइव एक्स्ट्रा, हार्ड कॉपी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. तो हम लोग काफ़ी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी, और इसमें है ना कौन कौन सा हम लोग सब्जेक्ट्स लेते हैं इसमें, कभी कभी नहीं आता तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इसको. जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन में तमाम तरह के चैप्टर्स विथ डेमो क्लासेस नज़र आएगा इसमें. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.